को प्रचारक करने वाले, प्रचार करने वाले, हाँ नारद के अंशी नारद मुनि कि नहीं जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी हो अब लो। हाँ, दो बात बोल रहा हूँ। प्रचारक जिंदगी भर प्रचारक रहता है। जिस समय आपका लाइन मारने का टाइम था उस समय आप समाज का कल्याण किए, सन्यास महासन्यास, संघ के प्रचारक महासन्यास होते हैं। बिना भगवा में भगवा के मतलब क्या बोले उसको, मैं जितना अध्ययन किया हूँ जानता हूँ। चित्त और वित्त पे कंट्रोल रखना और इतना बड़ा समाज का कल्याण करना धन्य है इसके लिए। अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रचारक उस समय, जिस समय आप प्रचारक थे, उसके बाद से प्रचारक के क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मैं वो शब्द आप लगा सकते हो, मैं नहीं लगा, मेरा अधिकार नहीं है मैं नहीं लगा सकता। हाँ वो आपसे सही, आप शब्द सही लगाए हो, ठीक है। हाँ वो लेकिन परिवर्तनता तो नियम है महाराज। सबसे पहले आपकी कुंडली को अनुशीलन करने के बाद मैं कहूँगा प्रचारक प्रचारक होता है। प्रचारक का काम है कि लोगों तक अपने विषय, कल्याण विषय समाज तक पहुँचे। आज की डेट में मेरा टोटल 26 फेसबुक आईडी है, करीब करीब 26 पेज फेसबुक पेज है, 52 यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम और ट्विटर और ऑटोप्ले से लेके व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, ऐसा करके मतलब समझ लो कि मेरे पास कितने सारे प्रचार के माध्यम, सोशल मीडिया का स्टेबल मूवमेंट बना के रखा हूँ। मैं भी एक प्रचारक हूँ ठीक है ना। समाज समय के अनुसार प्रचार के स्थितियाँ परिवर्तन। एक समय में पंपलेट, पोस्टर, कागज, बैनर, होर्डिंग बनते थे, आज सोशल मीडिया में होते। लेकिन एडिक्टेड नहीं हूँ मैं, एडिक्टेड नहीं हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एडिक्शन में जाऊं या किसी और का वीडियो देख पाऊं या किसी का और होर्डिंग या फेसबुक, कभी एक बार मौका ही नहीं मिलता। लोग देखते रहते हैं तो पूछ लेता हूं क्या हुआ रे बता दो थोड़ा सा, या कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल में तो बोल, मेरे को एक दो आदमी रखा हूं जो लोग कमेंट पढ़ के मेरे को बताते हैं कि ये मेन है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर आपको बोलना है या इसको समझाना है, मेरे को टिप्स बता देते हैं। और फिर उनको बोलता हूँ जो लोग जो जो दिए हैं उनको नमन दे दो, धन्यवाद दे दो, और कोई स्पेशल है तो मुझे दो, मैं लिखूँगा। अगर कोई स्पेशल कमेंट है वहाँ पर जहाँ उत्तर देने योग्य है, मैं दो, मैं अपने हाथ से लिखूँ ताकि उसे पता चल जाए कि आचार्य संजय का वर्ड है। ये एडिक्शन लेस सोशल मीडिया प्रचारक होना आपको बहुत ज़रूरी है सर। और आपके पास आपका कुंडली कह रहा है कि अगर इस क्षेत्र में आज से ही काम निकालो, इतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि उतना एक्सपीरियंस पाने के लिए मेरे को भी ज़िंदगी का 14 साल देना पड़ा। मेरा यूट्यूब का जो पुराना सबसे चैनल है, जो मैं कुछ नहीं जानता था, बस खाली वीडियो अपलोड जानता था, तो वो 15 साल शायद 14 या 15 साल पुराना यूट्यूब चैनल है। फेसबुक भी ऐसा ही है। तो आज के डेट में सारे मेरे अपडेट हैं और मेरे कुछ लोग भी लगे हैं इसको काम करने के लिए, और मैं और भी लोग ढूंढ रहा हूँ जो काम कर दें। अकेले में पॉसिबल नहीं है इतने सारे हैंडल करना, लेकिन जो बहुत एसेंशियल है और जो टॉप लेवल पे चल रहे हैं उन पेजों में, जैसे जैविक कृषि, जैविक खेती, संजय जी 75 फेसबुक का, 24K 25K यूट्यूब का, स्टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी 25, ये सारे जो मेन चैनल को मैं हैंडल करता हूँ, बाकी दूसरे को लगा देता हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ आपको कि प्रचारक हो तो प्रचारक बन के रहो, आज के डेट में अपडेट रहो। हर सिस्टम, हर प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म में आपको घुसना है। जब सोचिए वे लोग घुसते हैं जिन जो लोग देश का विघटन करने के लिए आपके अगेंस्ट वर्ग लगे हुए हैं, उनको उनके सिस्टम पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि एक एक आदमी 50-100 फेसबुक आईडी खोले, 50-100 यूट्यूब खोले, तो आप हाफ पेंट वाले क्या कुत्ता सूंघ गया है आप लोगों को, हैं कुत्ता सूंघा है आपको, माफ़ करिएगा ऐसा शब्द बता रहा हूँ, ये मेरा फायरिंग वर्ड है, मेरा फायरिंग वर्ड है।
हाँ तो उठो उठो, शुरू करो, लगाओ 50-50 एकदम, बने तो 100-100 बनाओ, ठीक है। और आपका कुंडली कह रहा है कि आप अथाह ज्ञान का सागर हो, लगाइए चलिए एकदम, गेम शुरू कर दो, इसी से मिल जाएगा। आपका कुंडली कह रहा है कि इसी से मिल जाएगा, भिड़ जाओ, ब्लॉगिंग चालू करो, खाली मत बैठो। कोई कैमरा खरीदने का, हम जैसे आदमी 5-10 लाख का कैमरा लेके बैठते हैं, आप, मैं तो शुरू मोबाइल से किया था और मोबाइल में ही 13 साल पार कर दिया। तो उसी में अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, आप तो मेरे से ज़्यादा उम्दा लेवल के व्यक्ति विशेष हो। और आप अगर नहीं चिल्लाओगे, नहीं ट्वीट करोगे, नहीं भोकोगे, तो कुंभकर्ण शब्द लगा दे रहा हूँ, समझ जाना जिसको बोल रहा हूँ, इन कुंभकर्ण का नींद कौन तोड़ेगा। अच्छे लोग अगर चुप बैठ जाएं तो बुरे लोग तो उछल कूद करते ही हैं। हाँ महाराज, अगर हम चुप हो गए तो फिर कौन रोएगा यार, कौन चिल्लाएगा, कौन क्रांति करेगा, किसने करना है। आज के डेट में ये जितने सारे एजुकेटेड इडियट्स शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुबजन खाए ठोकर, आज ये करेंगे जो जिंदगी का एटीएम मशीन है, पैसा के सिवा देश के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ना पेड़ ना पौधे ना कीड़े ना मकोड़े, ना समाज ना देश ना कल्याण ना धर्म, इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता नहीं कि इनका जिंदगी को एक षड्यंत्र के तहत प्लॉट कर दिया गया है और उसी में धड़ल्ले से चल रहे हैं, कोलू का बैल बन के चल रहे हैं, वहां से निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा है, पता ही नहीं है, आंख में पट्टी बांध दिया है तो दिखेगा कहां से इनको। महाराज एडिक्शन नहीं होना, मैं इतना बता दे रहा हूं, दारू के भट्टी में जा रहे हो लेकिन एडिक्टेड नहीं होना, सोशल मीडिया के भट्टी में जा रहे हो एडिक्शन नहीं होना, और दूसरे को भी एडिक्शन नहीं करना, दूसरे को एडिक्शन से बाहर निकालने का काम करना। हम पॉजिटिव आदमी लोग अगर पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो नेगेटिव लोग आपको उसी गलदल में फंसा के घस के रख देंगे, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, ये उद्घोष कर रहा है आचार्य संजय हाथ उठा के कि हमारा ये उद्घोष है कि विश्व को अगर रक्षा करना है, इन बच्चों को जो आज गेमिंग व्हाट्सएपिंग और गंदा गंदा वीडियो फोटो में व्हाट्सएप का और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ध्वस्त त्रस्त बदनाम करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है, हम चंद लोग अगर अच्छे वीडियो नहीं डालेंगे, अच्छे फोटो नहीं डालेंगे तो इनको ही तो रह गया सारा बात, फिर अगला पीढ़ी मेरा क्या करेगा बताओ। तो क्यों चुप बैठे हो, क्यों चुप बैठे हो, उत्तिष्ट जागृत प्राप्तवान, उठो और शुरू हो जाओ। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है आप जैसे प्रचारक के लिए, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट, आपके हृदय कंदर में ऐसे पूर्व जन्म से संस्कार भरे पड़े हैं, एक एक ब्लॉग लिखोगे ना महाराज, एक एक ब्लॉग लिखोगे ना तो वहां 56-57 इंच वाले हिल जाएंगे। आप हाफ पेंट वाले अगर फूल को छोड़ दोगे तो ये फूल मुरझाने वाला है, लग जाएगा पानी, पद्म पत्र इमाम बसा सड़ जाएगा। उठो, उठाओ हथियार, करो यलगार, करो युद्ध, लिखो। अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो मेरे व्हाट्सएप में मेरे वेबसाइट है, एक है संजय G75.com, एक वेबसाइट है, आप वहाँ लिख सकते हो या फिर जहाँ से आपको रिटर्न आ सकता है। दूसरा है GurukulShodhan.com, ये दो वर्डप्रेस का वेबसाइट मैं पैसा दे के बनाया हूँ, उसमें लिख सकते हो, पेजेस में लिख सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट खर्चा है तो तुरंत बुक करो, वेबसाइट बनाओ, तुरंत लगे पैसा कोई बात नहीं। कुकू FM पॉडकास्टिंग से शुरू करके जहाँ मिलता है वहाँ घुसो, छोड़ो मत, लग जाए पैसा लग जाए। जब गधे कुत्ते भेड़ बकरी घुसा कर रहे हैं तो आप इंसान लोग क्या कुत्ता सूंघा है। बस
बस बस। अरे बैठोगे नहीं, सोओगे उठोगे सब करेंगे, उसी पे बात कर रहा हूँ, सुन लो। ये चूतिया लोग कमर मटका मटका के करोड़ों रुपया ले लेते हैं यूट्यूब से और बाकी इंस्टा से, गाली देते हैं भद्दे भद्दे गाली। बहुत सारे जो मजाक चैनल है जहाँ पर गाली देते हैं एकदम, तो मदर फादर माँ बहन का गाली दे के पैसा कमा लेते हैं। तो आप